कोरोना के घटते मामलों के बीच दिल्ली में लॉकडाउन से सोमवार को और अधिक छूट दी गई है। पिछले करीब 1.5 महीने से चल रहे लॉकडाउन के बाद अब चरणबद्ध तरीके से दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले किए गए अनलॉक 1 में फैक्ट्री और निर्माण कार्य को अनुमति दी गई थी, अनलॉक 2 में मेट्रो चलाने की अनुमति दी गई थी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक 3 में कई तरह की छूट का ऐलान किया है। नई दिल्ली से आरके जायसवाल की रिपोर्ट। दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में आ चुकी है, कोरोना के केसेस काफी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। आप लोग देखते भी होंगे कि रोज मैं कहीं ना कहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए जाता हूं। कल हम लोगों ने लगभग 22 नए ऑक्सीजन प्लांट उनका उद्घाटन किया, परसों ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन किया, कई सारी तैयारियां तीसरी वेव को लेकर चल रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके लिए अब जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है क्योंकि कमाने का कोई साधन नहीं बचा है। हम भी ये समझते हैं और धीरे धीरे एक 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 एक्टिविटी को खोला जा रहा है। इस हफ्ते जो निर्णय लिए गए हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि कल सुबह 5 बजे इस बार इस हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो खत्म होगा। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और कुछ एक्टिविटीज हैं जो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से अलाउड हैं। इसका भी डिटेल्ड ऑर्डर थोड़ी देर में आप सब लोगों को मिल जाएगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज जो जिन पे बिल्कुल मनाही है वो कौन कौन सी हैं। सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, सोशल पॉलिटिकल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एकेडमिक कल्चरल रिलीजियस फेस्टिवल इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा थिएटर मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स एम्यूजमेंट पार्क्स वाटर पार्क्स बंद रहेंगे, बैंक्वेट हॉल्स ऑडिटोरियम्स असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे,